राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। जहां एक ओर इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच जयपुर पहुंच चुकी है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रदेश की प्रमुख पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है, तो वहीं AIIMM को ने पछाड़ते हुए पहली सूची जारी कर दी है। AIIMM ने अपनी दो सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा है। दरअसल असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में फतेहपुर विधानसभा सीट से एडवोकेट जावेद अली खान उम्मीदवार होंगे, वहीं कामा विधानसभा क्षेत्र से इमरान नवाब पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही उम्मीद जताई है कि कामा और फतेहपुर की जनता दोनों उम्मीदवारों को जरूर जिताएगी। AIIMM ने फतेहपुर विधानसभा सीट से एडवोकेट जावेद अली खान को चुनावी मैदान में उतारा है। जावेद अली मौजूदा वक्त में पार्टी के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश प्रवक्ता है। मूल रूप से सीकर के लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले जावेद अली पिछले 3 सालों से फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है। इसके साथ ही पिछले साल 14 सितंबर को जावेद अली ने असुद्दीन ओवैसी को फतेहपुर में बुलाकर एक विशाल जनसभा को भी आयोजित की थी। वहीं इमरान नवाब की बात करें, कामा विधानसभा सीट से इमरान नवाब को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इमरान नवाब अलवर जिले के तिजारा के रहने वाले हैं और वो पहली बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे। MIM के स्थापना के वक्त से ही पार्टी के जुड़े हैं। इमरान का कहना है कि वो तिजारा से चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने उन्हें कामा से टिकट दिया है और वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चुनावों को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसमें सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जल्द से जल्द मैदान में उतारना चाहती है ताकि प्रचार प्रसार अच्छे से हो सके। अब देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपा कब अपनी लिस्ट सामने लाती है। लोकवार्ता न्यूज जयपुर।